देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सिद्धार्थनगर के खेसराहा के पूर्ति निरीक्षक नरेंद्र मणि त्रिपाठी ने शासन की मंशा के अनुरूप 7 से अधिक यूनिट वाले राशन कार्डों का सत्यापन करते हुए सोमवार को ग्राम पंचायत सिसनिया रहुआ और पचमोहनी गांव के राशन कार्डों का सत्यापन किया। वहीं उन्होंने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त आलोक कुमार ने राशन कार्डों के सत्यापन के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसके क्रम पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि प्रत्येक माह में कम से कम 10 दुकानों का सत्यापन किया जाएगा और गलत व संदिग्ध राशन कार्डों और यूनिटों को डिलीट किया जाएगा। जी शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में सभी ग्राम पंचायतों में 7 से 9 यूनिट, 10 से 12 यूनिट और 13 से 15 यूनिट और उससे ऊपर की यूनिटों का सत्यापन हो रहा है। उन सत्यापन में जिनके पास आधार नहीं है और जो अपात्र यूनिट है उनको काटने का काम चालू है। इसी के क्रम में आज मैंने 3 ग्राम पंचायतों में इसका सत्यापन किया, जिसमें से ये तीसरा ग्राम पंचायत है, ये सिसानिया में 10 से 12 यूनिट के 5 कार्ड थे, 13 से 15 यूनिट के 3 कार्ड थे और 16 यूनिट से अधिक के 1 कार्ड थे, जिसमें से मैंने आप लोग से सत्यापन किया है। सत्यापन में एक दो यूनिट जो है ये यहाँ नहीं रहते हैं, अब चले गए हैं बम्बई, उनका नाम हम लोग काट रहे हैं। बाकी कुछ जिनके आधार छूटे थे उनका आधार नोट कर रहे हैं और वितरण व्यवस्था से यहाँ आप लोग संतुष्ट हैं, सारे लोग वितरण व्यवस्था से संतुष्ट हैं। इसी क्रम में ये कार्य चल रहा है और ये निरंतर एक प्रत्येक माह में कम से कम 10 दुकानों का मेरे द्वारा सत्यापन किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।